स्टूडेंट जी, मैं दीपक सर डीके टीचिंग सेंटर से बोल रहा हूँ। नाइन्थ क्लास का रियल नंबर आपका एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ 2.8, जिसमें है आपको सॉल्व करने का। सरल करें, यहाँ से आपका इस तरह से एक्सरसाइज 2.1 छः नंबर का पहला हिसाब है 5+√5 और 5-√5, इसको सॉल्व करना है। देखिए तो इसमें एक सूत्र होता है a² - b² a+b (a-b), इसी सूत्र पर यह लिखा हुआ, यह a हो गया और यह b हो गया, a और b। यहाँ है a² - b², तो 5 का स्क्वायर, क्योंकि a के स्थान पर 5 है, और यह माइनस सूत्र से और b के स्थान पर √5 है, तो √5 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, आई से ही कट जाएगा 5, अब भी 25 में 5 दिया तो आपको बच जाएगा 20, ये भी आंसर होगा। इसको पुनः समझिए कि 5+√5 ए प्लस, इसको ए मानेंगे या इसको बी, अब 5-√5 ए और बी, तो a² - √5 का होल स्क्वायर, तो 25 में माइनस 5 गया क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है और स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो 5, तो 25 में 5 गया तो क्या हुआ 20। इसका एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर, हम बता रहे हैं पहले इसका पहले लगातार बता देते, दूसरा क्वेश्चन 5+√7 और 2+√5, इसमें समान चीज नहीं तो गुना कीजिए, 5 × 2 = 10, +×+ = +, 5 × √5 = 5√5, +√7 × 2 = 2√7, +×+ = +, 7×5 = 35, तो 10+ ये दोनों लग जाते हैं, इसको यही रह जाएगा, इतने रह जाएगा क्योंकि कोई पद मिल रहा नहीं है, इसलिए नहीं जुटेगा क्योंकि √5 × √7, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा तीसरा सम है √11 - √7 और √11 + √7, तो रूट एक एक बार जोड़ है एक बार घटाओ, ये हो जाएगा, फिर सूत्र पर आ जाएगा a² - b² तो स्क्वायर से रूट खत्म 11 और 7, तो 11 में 7 लिया तो 4 बचेगा, यही आंसर हो गया। इसमें है एक क्वेश्चन, यह डालना 6 √3 + √7 का होल स्क्वायर, तो a+b का होल स्क्वायर सूत्र पर बैठाइए, तो √3 का होल स्क्वायर √7 का होल स्क्वायर +2 × √3 × √7, स्क्वायर से रूट खत्म 3 हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म 7, 2 × 7 = 21, 21 यही a+b का होल स्क्वायर। पांच
सात नंबर में भी वही चीज है, सरल करना है। तो सात का जो बता रहा हूँ पहला हिस्सा एक नंबर, फाइव रूट टू प्लस चार रूट टू। देखिए जोड़ का नियम हम बताए थे कि करनी का आधार और आधार समान होने चाहिए, घात भी इसके ऊपर घात होता है, करने का घात भी समान है, तो यह जुट जाएगा पाँच चार नौ रूट टू, नौ रूट टू यही आंसर हो गया। अभी इस तरह से आपका क्वेश्चन रहे कि इसका बता रहे हैं हम फोर नंबर चार रूट सेवन प्लस फाइव रूट सेवन माइनस थ्री रूट सेवन। यहाँ समझिए इसको करने का घात सेवन है, आधार में कुछ तो दो है, आधार सेवन है घात दो है, आधार सेवन घात दो सब एक समान है, पाँच चार नौ, नौ रूट सेवन में थ्री रूट सेवन घटाना, नौ में से तीन दिया घटाई दी छः रूट सेवन, चौथा नंबर हिसाब हो गया। अब हम बता रहे हैं पाँच नंबर, अब इसको जोड़ देना है कि हो जाएगा आपको सोलह टू थ्री फाइव प्लस तेरह करने का आधार तीन आधार पाँच, यहाँ माइनस है माइनस नहीं, आप सोलह में से तीन लिया एक आ जाएगा तेरह जाएगा आप सोलह थ्री रूट थ्री रूट फाइव। इस तरह से इसका हम क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं, एक आठ बता रहे हैं, आठवा का इधर नहीं ठीक है कटा फिर इसको बता देते हैं पांच नंबर आठ आठ सात हो गया आपको पंद्रह पंद्रह में कर दिया सिक्स छः नंबर कर रहा था सेवन सेवन हो गया। अब हम बता रहे हैं आठ नंबर इसका ले लेते हैं तो यही ले लेते हैं चार रूट थ्री माइनस थ्री रूट बारह प्लस टू रूट पचहत्तर। इसको हल करें फोर रूट थ्री तो रहेगा माइनस थ्री चार किया बारह टू पच्चीस किया पचहत्तर, चार रूट थ्री माइनस थ्री गुना टू रूट थ्री प्लस टू पाँच रूट थ्री, फोर रूट थ्री तीन दुना छः रूट थ्री पाँच दुना दस रूट थ्री, दस चार चौदह हो जाएगा प्लस प्लस के साथ छः रूट थ्री बराबर। अब चौदह छः में चौदह रूट थ्री में छः रूट थ्री चला जाएगा बच जाएगा इधर आठ रूट थ्री, आठ
चैटी के मुताबिक धनुष को संभावित पाँच प्लस रूट फाइव इंटू पाँच माइनस रूट फाइव, यह एक बार जोड़ है एक बार घटा है, यह सूत्र पर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पाँच का स्क्वायर पच्चीस, स्क्वायर से रूट खत्म, पाँच पच्चीस में पाँच गया तो बीस, पाँच प्लस रूट सेवन अगला क्वेश्चन है और टू प्लस रूट फाइव, यह समान चीज नहीं है तो गुना हो जाएगा, पंद गुना दस, पाँच रूट फाइव, टू रूट सेवन, सात पचे पैंतीस, ये यहीं तक आ जाएगा क्योंकि तो अलग अलग चीज है। रूट ग्यारह माइनस रूट सेवन और रूट ग्यारह प्लस रूट सेवन, एक बार घटाओ एक बार जोड़, तो रूट ग्यारह का होल स्क्वायर माइनस रूट सेवन का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म ग्यारह, स्क्वायर से रूट खत्म सेवन, ग्यारह में सात किया तो चार। इसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट थ्री प्लस रूट सेवन का होल स्क्वायर, रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस रूट सेवन का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट थ्री इंटू रूट सेवन, स्क्वायर से रूट खत्म थ्री, स्क्वायर से रूट खत्म सेवन, टू सत्या इक्कीस सात, इसको जोड़ जुड़ जाएगा यहाँ पर प्लस रूट सात तीन दस प्लस टू रूट इक्कीस, ये फिर अगला है पाँच रूट टू प्लस चार रूट टू, तो नाइन रूट टू जुट जाएगा, पाँच चार नौ, पुनः है फोर रूट सेवन, फाइव रूट सेवन, थ्री रूट सेवन, पाँच चार नौ रूट सेवन, थ्री रूट सेवन घट जाएगा, सिक्स रूट सेवन आएगा। फिर इस प्रकार से है आपको करने का घात तीन 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 समान तीन आठ सात पंद्रह हो जाएगा, तेरह चल जाएगा, टू करने का घात तीन आधार रूट फाइव, आठ चार रूट थ्री माइनस थ्री रूट बारह प्लस टू रूट पचहत्तर, इसको तोड़िए चार दिया बारह पचीस दिया पचहत्तर, क्योंकि आधार समान लाए चार के बलमूल दो और पच्चीस के पाँच रूट थ्री, चार रूट थ्री तीन दुना छः रूट थ्री, पाँच दुना दस रूट थ्री, तो यह प्लस तो यह चौदह, चौदह में से छः गया तो आठ आठ रूट थ्री, इसको क्या कीजिए निकालो कर। हाँ आइए बच्चों, अठारह का एक मेन हिसाब भी बता रहा हूँ, उस सबका आप समझ नहीं रहे होंगे। दूसरा हिसाब है के बराबर रूट टू प्लस वन बटा रूट टू माइनस वन, और बी बराबर रूट टू माइनस वन और रूट टू प्लस वन। तो साबित करना है, मैं साबित कर देना आपको कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर पैंतीस, पैंतीस लाख। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हिसाब पहले क्वेश्चन है कि ए बराबर रूट टू प्लस वन बटा रूट टू माइनस वन और बी बराबर रूट टू माइनस वन और रूट टू प्लस वन, तो साबित करें ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर पैंतीस। देखो बच्चों, पहले इसका हर का परमयकरण किया था, पहले ए का मान इस तरह रूट टू प्लस वन बटा रूट टू माइनस वन, और रूट टू माइनस तो प्लस होता है, इस तरह से हर का परमयकरण सिखाए थे आपको, तो समान चीज है तो स्क्वायर कर दीजिए, रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस रूट टू माइनस वन का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट टू इंटू वन बटा टू माइनस वन, यहाँ स्क्वायर से रूट कटेगा टू प्लस वन और टू रूट टू बटा दो में से दिया एक, दो एक तीन प्लस टू रूट टू, एक लिख के चाहिए तो ए बराबर आए। अब हम लोग बी बराबर निकालेंगे, बी बराबर रूट टू माइनस वन रूट टू प्लस वन,
तो root 2 minus 1 और root 2 minus 1 तो root 2 minus 1 का whole square और root 2 का whole square minus 1 का whole square इस तरह से देखिए root 2 का whole square plus 1 minus 2 root 2 into 1 2 minus 1 2 plus 1 2 root 2 बटा 2 में से किया 1 तो 2 1 3 minus 2 root 2 बटा 1 अर्थात b बराबर आ गया 3 minus 2 root 2 ये a और b का मान निकाल लो अब लिखिए आप a lecture यहां से a square plus ab plus b square बराबर कितना लाना है 35 तो a का मान हम निकाले 3 plus 2 root 2 और b का मान निकाले 3 minus 2 root 2 तो a का मान रखिए 3 plus 2 root 2 का whole square plus 3 plus 2 root 2 और 3 minus 2 root 2 plus b बराबर है 3 minus 2 root 2 का whole square आप देखिए a और b हुआ लिखे a plus b का whole square सूत्र पर तो a square plus 2 root 2 का whole square plus 2 into 3 into 2 root 2 plus एक बार जोड़ एक बार घटाओ तो a square minus 2 root 2 का whole square plus 3 का square plus 2 root 2 का whole square minus 2 into 2 root 2 3 into 2 root 2 अब देखिए यह प्लस और यह माइनस समान चीज है इससे ही कट जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9 होगा 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर से रूट खत्म 9 माइनस 4 गुना 2 प्लस 3 का स्क्वायर 9 ऐसे प्लस माइनस भी आप कर सकते हैं चल 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 गुना 2 आप देखिए 9 हो गया प्लस कर दूना 8 प्लस 9 8 प्लस 9 कर दूना 8 तो यह देखिए प्लस और माइनस और प्लस कट जाएगा बच गया 9 9 9 प्लस 8 अब देखिए यह जो जो ये 18 हो गया ये 18 उसके बाद 9 आज कितना जोड़ आ गया 35 ये आप इसको फिर पुनः समझिए 17 और 9 9 18 18 17 35 ए बराबर रूट टू प्लस वन ए बराबर रूट टू प्लस वन रूट टू माइनस वन ए बराबर रूट टू प्लस वन रूट टू माइनस वन गुना रूट टू प्लस वन और रूट टू प्लस वन अब देखिए हर का परिमेय क्रम है तो रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर और एक बार जोड़ एक बार घटा रूट टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर तो रूट टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट टू प्लस इंटू वन और नीचे में स्क्वायर से रूट कटेगा टू आइए स्क्वायर से रूट कट गया टू एक प्लस टू रूट टू तो एक नीचे लिखिए चाहे नहीं दूसरा टाइम दो में से गया एक होता ए बराबर थ्री प्लस टू रूट टू बी रूट टू माइनस वन रूट टू प्लस वन प्लस को माइनस रूट टू माइनस वन रूट टू माइनस वन रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर
रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 रूट 2 1 दो में से गया एक हुआ और 2 1 3 माइनस 2 रूट 2 यह a निकला और क्या निकला b अब हम LHS लिए हैं a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर तो a का मान रखेंगे 3 प्लस 2 रूट 2 यहां देखिए a का मान रखते 3 प्लस 2 रूट 2 आई स्क्वायर प्लस स्क्वायर ये का मान हुआ b का मान 3 माइनस 2 रूट 2 तो यहां यहां a है तो पहले a का मान दे दिया 3 प्लस 2 रूट 2 और b का मान है 3 माइनस 2 रूट 2 b स्क्वायर 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इनटू a इनटू b 2 रूट 2 एक बार जोड़ एक बार घटाओ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस मतलब 2 रूट 2 का होल स्क्वायर उसके बाद a माइनस b का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इनटू 3 इनटू 2 रूट 2 तो प्लस माइनस क्या हुआ कट गया 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 गुना 2 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 गुना 2 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 गुना 2 तो 9 4 गुना 8 9 4 गुना 8 9 4 गुना 8 प्लस माइनस कट गया 9 9 9 2 8 कितना हो गया 5 इसको उतार इस नंबर का पहला हिस्सा रूट 5 माइनस 1 और रूट 5 प्लस 1 प्लस रूट 5 प्लस 1 रूट 5 माइनस 1 ए प्लस बी रूट 5 तो ए कोमा बी का मान निकाल देखिए इस स्थिति में आप क्या कीजिए कि एलसीएम लीजिए इस तरह से लीजिए प्लस से प्लस कटा रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इसे ही कटा रूट 5 प्लस 1 का स्क्वायर कैसे हुआ प्लस से प्लस कटा एक माइनस नीचे से एक माइनस ऊपर से दो वो है जाके इसमें गुना हो जाएगा रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर अब माइनस से माइनस कट गया रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 5 इंटू 1 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 1 अब एक बार जोड़ एक बार घटा इधर बराबर को दे दे आई आप ए प्लस बी रूट आई ए प्लस बी रूट आई ए प्लस बी रूट आई अब देखिए यह प्लस यह माइनस है यह प्लस कट जाएगा इस तरह से नीचे बच गया आपको रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो इस तरह से 5 प्लस 1 का स्क्वायर के रूप में था अब 5 प्लस 1 5 माइनस 1 बराबर a प्लस b रूट 5 पाँच पाँच दस दो बारह बारह बट्टा पाँच में एक दिया चार
बराबर a प्लस b रूट 5 सर किया 12 3 बराबर a प्लस b रूट 5 अब यहां लिखाएगा a कोमा b का मान कभी संभव है जब a बराबर देखिए इसमें रूट नहीं है इसमें भी रूट नहीं है 3 और रूट का पद नहीं है तो b रूट 5 बराबर 0 गुना तो भागा 0 बटा रूट 5 तो b बराबर 0 अर्थात a बराबर 3 b बराबर क्वेश्चन है रूट 5 माइनस 1 और रूट 5 प्लस 1 प्लस रूट 5 प्लस 1 और रूट 5 माइनस 1 बराबर a प्लस b रूट 5 तो a कोमा b का मान निकाल रूट 5 माइनस 1 रूट 5 प्लस 1 प्लस रूट 5 प्लस 1 रूट 5 माइनस 1 तो एलसीएम लीजिए और समान चीज है तो दोनों गुना में आ जाएगा रूट 5 प्लस 1 रूट 5 माइनस 1 एलसीएम ले लिए प्लस या कट जाएगा कि माइनस 1 नीचे 1 ऊपर तो 2 हो जाएगा समान चीज गुना में रहेगा तो स्क्वायर हो जाएगा माइनस कटा समान चीज है तो स्क्वायर हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर तो रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर तो बताया तो रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इनटू रूट 5 इनटू 1 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 इनटू रूट 5 इनटू 1 एक बार जोड़ एक बार घटाओ रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर a प्लस b रूट 5 अब देखिए समान चीज कट जाएगा स्क्वायर से रूट खत्म 5 a 5 प्लस a 5 माइनस 1 तो 5 a 6 5 a 6 तो नीचे ये 5 में से गया तो 4 लिया जाएगा 12 अब बटा 4 4 किया 12 3 कोमा a प्लस b रूट 5 तो a कोमा b का मान तभी संभव है जब a बराबर 3 क्योंकि इसमें रूट नहीं है अच्छा रूट का पद नहीं है तो क्या होगा 0 तो b रूट 5 बराबर 0 गुना तो भागा 0 बटा 5 तो b बराबर 0 a बराबर 3 और b बराबर 0 इसको क्या कीजिए